अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्यूटी विद नॉलेज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। और जी आज भी एक ज़बरदस्त किस्म का सीरम तैयार करूँगी आप लोगों के लिए, ख़ास तौर पे मेरी उन सिस्टर्स के लिए जिन्होंने मुझे ओपन पोर्स के प्रॉब्लम के बारे में पूछा है कि ओपन पोर्स के लिए मैं एक ऐसा सीरम तैयार करूँ जो लगाने में ईजी हो और उसके बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा हो। तो जी आज मैं जो सीरम आपके लिए तैयार कर रही हूँ, ये मैं कॉफ़ी से सीरम तैयार करूँगी। और इस सीरम के इस्तेमाल से ना सिर्फ आपके पोर्स क्लीन होंगे बल्कि आपके पोर्स टाइट भी होंगे, आपके पोर्स श्रिंक होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत आपकी स्मूथ टेक्सचर होगा स्किन का। इसके अलावा पिंपल्स को भी रिड्यूस करेगा, एक्ने स्कार्स को भी रिड्यूस करेगा। इसके साथ साथ जो आपकी स्किन के ऊपर डिफरेंट किस्म की ब्लैमिशेस होती हैं, ये उनको भी रिड्यूस करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जब स्किन को आप क्लियर रखेंगी, साफ़ सुथरा रखेंगी और स्किन के ऊपर अच्छी चीज़ों को अप्लाई करेंगी तो स्किन बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस रहेगी, स्किन के ऊपर ग्लो बना रहेगा और स्किन हर तरह के प्रॉब्लम से बच जाएगी। डिफरेंट किस्म के एनवायरनमेंट के जो इफ़ेक्ट आ रहे होते हैं स्किन के ऊपर, उसकी वजह से स्किन काफ़ी ड्राई हो रही होती है। वो कुछ लोगों की बहुत ही ज़्यादा स्किन जैसे ही वेदर चेंज होता है ऑयली होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पोर्स ओपन हो जाते हैं। और ओपन पोर्स के बीच में जब डर्ट जमा होती है तो वो पिंपल्स बन जाती है, और पिंपल्स जब ख़त्म होते हैं या आप उसको स्क्वीज़ कर लेती हैं तो उसके स्कार्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन काफ़ी ज़्यादा बदनुमा बन जाती है और स्किन के ऊपर काफ़ी रफनेस और काफ़ी डलनेस आ जाती है। इन सब प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सीरम आपके लिए बनाऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इसमें जो चीज़ हम सबसे पहले ऐड करेंगे वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी ज़बरदस्त किस्म का स्किन को क्लियर करती है, स्किन को एक्सफोलिएट करती है, स्किन के ऊपर से डर्ट इम्प्योरिटीज़ को रिड्यूस करने में बहुत ही हेल्पफुल रहती है। हम लेंगे इसका 1/2 टीस्पून कॉफ़ी का। ब्लैक कॉफ़ी आपने लेनी है, इंस्टेंट आपने साशा लेना है, बॉटल वाली। अगर आपके पास कॉफ़ी अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं और मेक श्योर कर लीजिएगा कि उसमें फंगस मौजूद ना हो। मोस्टली ये होता है कि जब आप घर में यूज़ करती हैं कॉफ़ी को तो उसके बीच में बार बार जब आप चम्मच को ऐड करती हैं या उसका लिड ओपन करती हैं तो उसमें फंगस आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी कॉफ़ी सारी ख़राब हो जाती है या ज़्यादा देर तक पड़े रहने की वजह से भी वो कॉफ़ी ख़राब हो जाती है। तो कोशिश ये किया करें कि अपनी स्किन के लिए बेस्ट चीज़ें यूज़ किया करें और ऐसी चीज़ें यूज़ किया करें जो फंगस फ्री हों और आपकी स्किन के ऊपर उनके अच्छे इफ़ेक्ट आएँ। तो जी हमने ले लिया है 1/2 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर और इसके बीच में जो सेकंड इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे वो स्किन को स्मूथ करने में, स्किन के ऊपर से डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शन को रिड्यूस करने में, यानी कि जो इन्फ्लेमेशंस आ जाती हैं, डिफरेंट किस्म की जो स्वेलिंग आ जाती है, इसके साथ साथ पिंपल्स आ जाते हैं और रेडनेस आ जाती है और कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा इचिंग होती है और ऑयल होने की वजह से उनके पोर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा डर्ट जमा हो जाती है। ये उन सब चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही अच्छा इफेक्ट करती है। और ये है जी ग्लिसरीन। ये स्किन को स्मूथ बनाती है। इसके हम 4 टेबलस्पून ले लेंगे और इसके बीच में हम ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये इफ़ेक्ट करता है। ये 2 टेबलस्पून के करीब ये एक लिड था जो मैंने इसके बीच में ऐड किया है और एक और इसके साथ मैं लिड ऐड करूँगी। और अगर आप चाहें तो इसके बीच में रोज़ वाटर ऐड कर सकती हैं, वरना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने 4 टेबलस्पून आपने इसमें ग्लिसरीन ऐड कर लेनी है। और ग्लिसरीन के इस्तेमाल से ना सिर्फ स्किन स्मूथ रहती है बल्कि स्किन के ऊपर आने वाले डिफरेंट इन्फेक्शन जो हैं वो भी रिड्यूस रहते हैं। मोस्टली गर्ल्स को पिंपल्स का प्रॉब्लम रहता है, एक्ने का प्रॉब्लम रहता है और डिफरेंट किस्म के उनके पोर्स में पस आ जाती है, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो ये उसको रिड्यूस करने में बहुत ही बेनिफिशियल है और हेल्पफुल भी है। इसके साथ जी हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो इसमें ऐड करेंगे वो है जी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी स्किन को स्मूथ बनाने में, स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने में और स्किन के ऊपर स्मूथनेस को बनाए रखने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। और एलोवेरा जेल आपने कोशिश करनी है, अगर आपके पास फ्रेश अवेलेबल है तो वो ऐड कर लें, और अगर आपके पास फ्रेश अवेलेबल नहीं है तो आप मार्केट से जो ओरिजिनल बना होता है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये है जी विटामिन ई का। अगर आपके पास कोई लोशन अवेलेबल है आप वो ऐड कर लें, और अगर आपके पास विटामिन ई का लोशन मौजूद नहीं है तो आप इसके बीच में 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोकोनट ऑयल भी मौजूद नहीं है तो आप इसमें 1 कैप्सूल विटामिन ई का भी ऐड कर सकते हैं। तो जी मेरे पास विटामिन ई का लोशन मौजूद है और मैं इसके बीच में 2 टेबलस्पून विटामिन ई का लोशन ऐड कर रही हूँ। तो जी इन सब चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने किसी एयर टाइट कंटेनर में इसको सेव कर लेना है। 1 हफ्ते के लिए ये आपका सीरम बिल्कुल काफ़ी होगा। और आपने जब भी अपने फेस को वॉश करना है, इसके बाद आपने स्किन को ड्राई होने देना है और उसके बाद आपने इस सीरम को अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेना है। जैसे ही आप स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे तो आपके स्किन के ऊपर जितनी डर्ट वगैरह, जितनी इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करती हैं, यानी कि अगर आप इसे एक मॉर्निंग में इस्तेमाल करें, एक दोपहर में इस्तेमाल करें और एक रात को सोने से पहले अगर अपने फेस को वॉश करके आप इसको अप्लाई करेंगी तो आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर देगा। इसके साथ साथ एक्ने को रिड्यूस करेगा, आपके पिंपल्स को रिड्यूस करेगा, आने वाले स्कार्स को रिड्यूस करेगा और स्किन के ऊपर जो पिगमेंटेशन मौजूद है उसको रिड्यूस करेगा और बहुत ही फ्लॉलेस और बहुत ही ग्लोई आपकी स्किन हो जाएगी। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसको सेव कर लें। अगर आपके पास कोई खाली सीरम बॉटल मौजूद है तो आप उसके बीच में भी इसको ऐड करके अपनी फ्रिज में रख लें। और अगर आप इसको फ्रिज में नहीं रख सकते तो आप इसको शेल्फ पे रख लें ताकि आप इजीली इसको यूज़ कर सकें। तो जी इसे आपने बना के अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना है, लेकिन पहले आपने अपनी स्किन को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है ताकि स्किन के ऊपर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिड्यूस हो जाएँ और वो वॉश आउट हो जाएँ। वो खवातीनों हजरात जिनके नोज़ की साइड पे बहुत ही ज़्यादा ओपन पोर्स हो जाते हैं, ख़ास तौर पे जब वेदर चेंज होता है, यानी कि विंटर्स के बाद जब समर आ रहा होता है तो स्किन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ऑयल आना स्टार्ट हो जाता है। ड्यूरिंग समर भी स्किन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ऑयल रहता है, ये उसको रिड्यूस करने में और आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मॉइस्चर प्रोवाइड करने में ये हेल्पफुल रहेगा। स्किन को स्मूथ बनाने में, स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने में, ड्राइनेस को, क्रैक्स को और डिफरेंट किस्म की जो ब्लैमिशेस और इन्फ्लेमेशंस आ रही होती हैं ये उसको रिड्यूस करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और ख़ास तौर पे पिगमेंटेशन को ये रिड्यूस करेगा क्योंकि विटामिन ई इसमें शामिल है और विटामिन ई स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, स्किन के ऊपर आने वाले डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको रिड्यूस करके आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, स्मूथ बनाता है, स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है और स्किन के ऊपर वाइटनिंग, लाइटनिंग और ब्राइटनिंग इफेक्ट भी लेकर आता है। इसके साथ जी हमने इसमें ग्लिसरीन ऐड की है जो कि ऑलरेडी स्मूथिंग इफेक्ट देती है और इसके साथ एलोवेरा जेल ऐड किया है वो भी आपको सूदिंग इफेक्ट देता है। ये सब चीज़ें स्किन के ऊपर सूदिंग इफेक्ट लेकर आएंगी, स्किन को स्मूथ बनाएंगी, स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करेंगी और ओपन पोर्स को टाइट करेंगी। वो खवातीन जिनके डार्क सर्कल मौजूद रहते हैं उनके डार्क सर्कल भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिनकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन मौजूद होती है वो भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी और जिन लोगों को एक्ने के स्कार्स का प्रॉब्लम होता है ये भी इसको रिकवर करने में हेल्पफुल रहेगा। स्किन के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ग्लो लेकर आएगा। वाइटनिंग और ब्राइटनिंग इफेक्ट के साथ साथ ये स्किन को बहुत ही हेल्दी भी रखेगा। आप अगर अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं तो अपनी स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज रखा करें ताकि स्किन के ऊपर रिंकल्स ना आए, फाइन लाइंस ना आए और डिफरेंट किस्म के जो ब्लैमिशेस और इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ना आए। तो जी ये ज़बरदस्त किस्म का सीरम कॉफ़ी से तैयार किया है और कॉफ़ी आपको पता है स्किन के ऊपर क्लियर बनाती है, स्किन के ऊपर इम्प्योरिटीज़ को रिड्यूस करती है और स्किन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस ग्लो लेकर आती है। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग जो कि मैंने सीरम के ऊपर बनाया। इसको बनाएं, इसका फीडबैक मुझे कॉमेंट बॉक्स में दें। हमेशा की तरह मुझे दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।